लॉट ऑफ यू आर ज्वाइनिंग वेरी लेट, 8 मिनट हो गया है। चलिए, सो एक्चुअली टुडे वी विल हैव ओनली ओरल सेशन एंड द मोर यू टेल द बेटर इट इज, ओके? तो इसलिए जितना आप बोलेंगे उतना अच्छा है। टुडे आई एम ऑन बेड, सो आई डोंट वांट टू डू सम टाइपिंग वर्क, आई एम गिविंग सम रेस्ट, क्योंकि स्कूल में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है अभी, तो दैट्स व्हाई थॉट 3 डेज थोड़ा लेग को रेस्ट किया जाए। चलिए, सो आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल ज्वाइन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ज्वाइंड सो पीपल। सो एक्चुअली टुडे आई विल गिव यू अ नटशेल, ओके? सो हम लोग एक एक टॉपिक का जो भी इम्पोर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख सकते हैं, ओके? सो यू कैन राइट ऑल दोस थिंग्स, यू कैन टेक अ पेन एंड कॉपी एंड दोस थिंग्स विल बी इम्पोर्टेंट फॉर योर केवी प्राइम, ठीक है? सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, यू टेक आउट योर पेन एंड कॉपीज। जैसे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमी में, आपका साइटोलॉजी में, जेनेटिक्स में, तो हम लोग एक तरफ से चलेंगे एंड धीरे धीरे करते करते जाएंगे। सो यू कैन ब्रिंग योर कॉपीज। चलिए, सो एज वी आर डिस्कसिंग टैक्सोनॉमी इन स्कूल नाउ, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू रिलेट, है कि नहीं? तो उसमें जो सबसे पहला टर्म्स आप लिख लीजिए, विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम योर फर्स्ट प्लान, ओके? ऑल आर राइटिंग, ऑल ऑफ यू आर राइटिंग, यस सर, बिकॉज़ टुडे ओनली योर रिकॉर्डेड वीडियो विल बी देयर बट देयर इज नो टाइपिंग। सो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जैसे हम लोग लिखे हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज आप लिखे बॉडी प्लान, ठीक है? तो बॉडी प्लान में नंबर वन लिखिए सेल्यूलर, ओके? हाइफेन, उसका एग्जांपल लिखेंगे प्रोटोजोआ, ओके? सेल्यूलर हाइफेन प्रोटोजोआ। नाउ इधर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नाउ प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, ओके? नाउ प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है? चलिए, आप लोग यस जो कुछ बोलते रहे, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आप लिख रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वो एक बोलने से चलेगा। तो सेकंड लिखिए आपका आफ्टर द सेलुलर बॉडी प्लान, सेकंड इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट, उसका एग्जांपल लिखेंगे स्पंजेस या पॉलीफेरा। सेल एग्रीगेट एंड उसमें एग्जांपल लिखेंगे स्पंजेस, यस सर। थर्ड पॉइंट is blind sac body plan, bracket में लिखेंगे only one opening that is mouth, no anus, only one opening, थोड़ा repeat कर, कौन सा sir, और एक ये point जो blind sac body plan, ठीक है? blind sac SSC, sac होना आँखा, blind sac body plan, bracket में आप लिखेंगे, body has a single opening, that is mouth, mouth, okay, no anus, right? तो इसका मतलब क्या है? अगर उनको adjust करना है तो भी उसे माउथ से ही करना पड़ेगा, माउथ से करेंगे, समझे? आइदर यू डोंट एडजस्ट और यू एडजस्ट वाया माउथ, माउथ। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एग्जांपल लिखिए
Cnidaria, Ctenophora, and Platyhelminthes. Cnidaria, Ctenophora, and Platyhelminthes. So ये तीनों में आपका ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान होता है. Next point. Yes sir. Yes sir. Okay, tube within a tube. Tube within a tube. Comma, protostomus. Tube within a tube, comma, protostomus. First mouth formed हुआ था उसके बाद anus. Protos माने mouth, stoma माने protos माने first, stoma माने mouth. Okay? तो इसमें example लिख लीजिए. Nematoda, comma, annelida, comma, mollusca, comma, arthropoda. Nematoda, annelida, mollusca, and arthropoda. ठीक है, तो ये चार आपके अलग अलग क्या फाइलम है जिसमें प्रोटोस्टोमस बॉडी प्लान होता है. उसके बाद आ जाइए ड्यूटेरोस्टोमस. ड्यूटेरोस्टोमस DEUTEROSTOMUS. ड्यूटेरोस्टोमस इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं. एनस डेवलप्स फर्स्ट फ्रॉम ब्लास्टोपोर. Anus develops first from blastopore. हो गया? Yes. इसमें आप लिख दीजिए echinodermata, hemichordata, chordata. Echinodermata, hemichordata, and chordata. ठीक है? Yes. So, ये हमारे अलग अलग तरीके के बॉडी प्लान होते हैं. समझ में? अब देखो बॉडी अगर इस तरह का है तो उसके अंदर काम करने वाले कैसे होंगे. सो दैट इज कॉल्ड सेकेंड पॉइंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब हमारा पहला बॉडी प्लान सेल्युलर है तो आप बताइए सेल के अंदर कौन काम करता है. इज इट एनी सेल. बोलिए सेल के अंदर कोई सेल काम करता है क्या. सर ऑल द ऑर्गेनेल्स. यस और नो. इज देयर एनी सेल इनसाइड अनदर सेल. नो सर. इसलिए इसको पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ए सेल्यूलर. सिंगल वर्ड ए सेल्यूलर और प्रोटोप्लाज्मिक और ऑर्गेनेलर. समझ में? ए सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलर. समझ रहे हो? क्योंकि एक सेल के अंदर और कोई सेल नहीं होता है तो इसका एग्जांपल वही प्रोटोजोआ है. एक्चुअली पहले प्रोटोजोआ को एनिमल्स बोलते थे ना तो ये सब था तो अभी भी हम लोग रख लेते हैं फिर हटा देते हैं. चलिए अब सेकेंड इज सेल एग्रीगेट. तो सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा सेल्यूलर. क्योंकि सेल एग्रीगेट में सेल्स का ग्रुप होता है तो इसलिए हु विल वर्क इनसाइड देम ईच सेल. तो सेल एग्रीगेट में उसमें लिखिए सेल्यूलर बॉडी इंडिपेंडेंटली सेल्यूलर लेवल. तो इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस. ठीक है फिर टिश्यू लेवल दैट इज कॉल्ड व्हाट दैट इज टिश्यू लेवल. उसको हम लोग कहते हैं आपका निडारिया टेनोफोरा.
सुनिए व्हाट इज अ टिश्यू ऑलवेज रिमेंबर बहुत सारे सेल्स विच आर परफॉर्मिंग अ कॉमन टाइप ऑफ वर्क दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू इसीलिए जब आप सेल्यूलर थे आप कोई मर्जी हो सकते हो बट अगर आप टिश्यू के हो गए अब आप सिर्फ टिश्यू के फॉर एग्जाम्पल ओके वेन यू आर सेल्यूलर आत्मा इज द सन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा बट इन ए टिश्यू आत्मन इज डीएमसीएस 14 अब जो उसका कोच बोलेगा वही उसको करना पड़ेगा So that is the concept. In a true tissue, there is no partiality. Right? So, इसीलिए आप क्या हो आप कौन हो ये मैटर नहीं करता है इसीलिए the name in the back of the t-shirt is less important than the name in the front of the t-shirt. क्योंकि front of the t-shirt किसका नाम होता है आपके team का समझ रहे हो So, in tissue level, always the टिश्यू मैटर्स ठीक है सो इसलिए टिश्यू में जो सेल्स हैं वो अपना इंडिविजुअलिटी त्याग देते हैं दे आर नो मोर इंडिविजुअल्स ओके सो दे हैव टू वर्क इन द बेनिफिट ऑफ द टिश्यू उसी तरह से हाँ कलेक्टिव उसी तरह से टिश्यू से क्या बन जाएगा ऑर्गन लेवल ऑर्गन लेवल तो ऑर्गन लेवल आ जाएगा आपका किस में In flatworms. तो flatworms में आपका organ level आ जाएगा फिर आ जाएगा आपका organ system level. ठीक है तो फिर आएगा आपका organ system level. तो यहां आपका nematoda से corgata आ जाएगा In taxonomy, आपका level of organization finish. इससे आगे नहीं होगा इससे आगे जो होगा वो ecology या evolution में होगा समझ आया लाइक ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म से बनेगा पॉपुलेशन पॉपुलेशन से बनेगा कम्युनिटी बहुत सारे कम्युनिटी से बनेगा इकोसिस्टम बहुत सारे इकोसिस्टम से बनेगा लैंडस्केप बहुत सारे लैंडस्केप से बनेगा बायो बहुत सारे बायो से बनेगा बायोस्फीयर अंडरस्टूड सो इसीलिए उसी तरह सेल से नीचे भी हम चले जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा हालांकि नहीं, नहीं? सब एटॉमिक पार्टिकल से बनेगा एटम्स एटम्स से बनेगा सिंपल मॉलिक्यूल से बनेगा कंपाउंड मॉलिक्यूल्स कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनेगा मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन ठीक है तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स से बनेगा प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म से बनेगा सेल तो समझ रहे हो तो इसलिए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगह अलग अलग हो गया चलिए तो ये हमारा एक कंसेप्ट yes. तो आप थर्ड पॉइंट आ जाइए बॉडी कैविटी एक्चुअली बॉडी कैविटी आप लोग जो पढ़े हो गए स्कूल में नॉन स्पेशल चिल्ड्रन वो गलत पढ़े हो गए क्योंकि वो जो है वो लोग अपना एनसीईआरटी का पढ़ा देते हैं एनसीईआरटी में ट्रू बॉडी कैविटी को सिलोम बोलता है एक्चुअली बॉडी कैविटी का नाम सिलोम होता है समझ रहे हो सो दैट इज द प्रॉब्लम ट्रू बॉडी कैविटी को हम लोग यूसिलोम कहते हैं अंडरस्टूड तो इसीलिए बॉडी कैविटी का मतलब ही होता है सिलोम बट उन्होंने ऐसा क्यों किया उन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि वो रेवन जॉनसन कैंपबेल ग्रीस को ही लिखा हुआ बट रेवन जॉनसन कैंपबेल ग्रीस कोई जूलॉजी का बुक नहीं है दे आर बुक्स ऑफ बायोलॉजी तो अगर आपको जूलॉजी देखना है तो और हायर बुक्स देखना पड़ेगा आपको गुस्का देखना पड़ेगा आपको हिकमेंस देखना पड़ेगा आपको पार्कर रसेल देखना पड़ेगा फाइन तो इसके बाद आई विल नॉट टीच व्हाट इज गिवन इन रॉबर्ट जॉनसन एंड आई विल टीच व्हाट इज गिवन इन बेटर बुक्स ओके बट स्टिल आप लोग स्कूल के एग्जाम में वही लिखेंगे जो आपका दिया है बुक में बट ओलंपियाड केवीपीआई यहाँ थोड़ा अलग कंसेप्ट काम आएगा सुनिए तो इसीलिए सिलोम हेडिंग दीजिए ये मेरा है दिस इज जेसीआरटी क्लास ओके नो केस बिकॉज़ ये केवीपीआई डिस्कशन है आई डोंट बदर व्हाट इज गिवन आंसर तो उसमें लिखिए सिलो और बॉडी कैविटी ठीक है तो उसमें लिखिए एनी कैविटी इन द बॉडी एनी कैविटी इन द बॉडी
other than Archenteron. Archenteron मतलब primitive digestive system. Bracket में लिख लो. Archi is primitive, enteron माने digestive system. समझ रहे हो? या gut लिख सकते हो या GIT लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, तो एनी कैविटी इन जो आर्केंटेरम है वो एक्चुअली एंडोडर्म से लाइन होता है. सो एनी कैविटी अदर देन आर्केंटेरम इज कॉल्ड बॉडी कैविटी, इज कॉल्ड बॉडी कैविटी और सीलो. ठीक है, एनी कैविटी इन द बॉडी अदर देन आर्केंटेरम is called silo. ठीक है, बट तुम्हारे बॉडी तुम्हारे बुक में ऐसा नहीं लिखा. ठीक है, तुम्हारे बुक में ट्रू सिलोम को सिलोम लिखा है, right? तो इसलिए वो आप पढ़ने के बाद देख लेना. एंड यू कैन ऑलवेज वॉच द वीडियोज ऑफ एफ वन एंड प्राइम 40 बैच, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं. ठीक है, those who want they can see. एक सेकंड, वो एक बच्चा आया हुआ. तो चलिए बोलिए, तो समझ में आया? तो एनी कैविटी इन द बॉडी अदर देन आर्केंटेरॉन इज कॉल्ड व्हाट? सिलो. तो आप सुनिए, क्वेश्चन आएगा विच इज द फर्स्ट कैविटी इन द बॉडी, तो बोलिए आर्केंटेरॉन सर. आर्केंटेरॉन. जब आपका बॉडी बन रहा है सबसे पहला कैविटी कौन सा होगा? आर्केंटेरम. ठीक है, तो जो ब्लास्टोसील है एक्चुअली ब्लास्टोसील अल्टीमेटली डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. समझ रहे हो? तो ऐसे ब्लास्टोसील ब्लास्टुला स्टेज से होता है. चलिए, तो समझ आया आप? तो एनी कैविटी दैट इज कॉल्ड आपका सिलो. नाउ इफ द बॉडी कैविटी is not lined, if the body cavity is not lined on all sides by mesoderm, if the body cavity is not lined on all sides by mesoderm, it is called pseudocilum. It is called pseudocilum. As much. So now. Yes, sir. तो आप देखिए, तो ये आपका pseudocilum हो गया. Now आपका जो book में दिया है pseudocilum वो गलत है. That is not pseudocilum. We have discussed already in class. कि वो एक्चुअली ट्रू सिलोम है. तो तुम्हारे बुक में जो सुडोसिलोम का डायग्राम दिया है वो एक्चुअली ट्रू सिलोम है. तो आप आज जाके उसको जब देखोगे तो देखोगे उसके चारों ओर आपका कौन सा लेयर है. ओके, चलिए नाउ. तो इसमें सुडोसिलोमेट में एग्जांपल लिख लीजिए नेमाटोडा. नेमाटोडा से ताले रखे बाबा. And other phylums included, ये आपके लिए भी नया है, आप लोग लिखिए. Nematoda ये आपका सिलेबस में है. And other phylums included in superphylum Ascalminthes. Ascalminthes. Actually तुम्हारा बुक में phylum Ascalminthes दिया है, वो एक्चुअली नॉट करेक्ट है. तो सुपर फाइलम Ascalminthes होता है. ठीक है, सो इसीलिए सुपर फाइलम Ascalminthes में जो जो फाइलम होंगे वो सारे सुडोसिलोमेट हैं. सपोज आपका एक क्वेश्चन आया, विच अमंग्स द फॉलोइंग
are pseudocoelomate animals? Yeah, which of the following group includes all pseudocoelomate animals? Option 1 दिया है Ascalminthes. Option 2 दिया है Platyhelminthes. Option 3 दिया है Nematoda. Option 4 दिया है suppose Coelenteric. तो आप कौन सा आंसर मारेंगे? सुपर फाइलम Ascalminthes. क्यों? Ascalminthes. Why? Why not Nematoda? Nematoda तो है. So, आपने बोला था all animals belonging to superphylum Ascalminthes are pseudocoelomates. हाँ तो but आप nematoda क्यों नहीं मारोगे? उसमें भी तो सारे pseudocoelomate हैं. समझे कि नहीं? Nematoda में भी तो pseudocoelomate है. Superphylum में ज़्यादा है. हाँ yes. Means superphylum is a bigger group. तो इसलिए when you have to select between both and there is no both option, तो आप क्या करेंगे? आप Ascalminthes मारेंगे. Understood? चलिए ये जब कभी मैं दिखाना होगा मैं आपको दिखा दूंगा. When I'll teach you taxonomy, I'll show you these things. चलिए next point. School में क्या होता है इधर दिखाने के लिए टाइम नहीं होता. चलिए तो ये समझ में आ गया. तो इसलिए pseudocoelomate का मतलब क्या है? आपका उस कैविटी के चारों ओर मेसोडर्म नहीं होगा. आइदर एक्टोडर्म की तरफ होगा या मेसोडर्म के तरफ एंडोडर्म के तरफ होगा या पैचेस में होगा. थोड़ा थोड़ा एक्टोडर्म में होगा, थोड़ा थोड़ा एंडोडर्म में होगा, मतलब पूरी तरह से नहीं होगा. अंडरस्टैंड? चलिए तो इसका एग्जांपल हमने लिख लिया. नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए. इफ नेक्स्ट डेफिनेशन इफ द बॉडी कैविटी is lined on all sides by mesoderm. If the body cavity is lined on all sides by mesoderm, it is referred to as eucoelom. तो तुम्हारे बुक में इसको सिलोम दे दिया है. Okay? It is referred to as eucoelom. तो यू का मतलब क्या होता है? ट्रू. ट्रू. यू मीन्स ट्रू, सिलो मीन्स बॉडी कैविटी. आप बोलोगे सर व्हाई आर यू फाइटिंग विद एनसीईआरटी? अनफॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो एन एनसीईआरटी स्टूडेंट. आई एम ए केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट एंड इन माय बुक, मैंने मैं जिस टैक्सोनॉमी बुक पढ़ा था उसमें वो डायग्राम भी दिया हुआ था जो मैंने आपको सिखाया है ना, वो डायग्राम भी दिया था. एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू सर्च दैट बुक. अगर वो मिल जाए कभी तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को. समझे कि नहीं? मैंने द बुक आई रेड आई एम टीचिंग यू. समझ रहे हो? अभी ये लोग सब उसको डाइल्यूट कर दिया, घोटाला कर दिया. चलिए नेक्स्ट. तो समझ रहे हो? तो अगर सीलोम, अगर कैविटी के चारों तरफ या सीलोम के चारों तरफ मेसोडर्म है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू सिलो. बट यू सिलो, प्लीज डोंट यूज दिस डेफिनेशन इन स्कूल, क्योंकि स्कूल में लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा. चलिए इवन कि जो F1 वाले भी नहीं लिखेंगे, समझे, प्राइम वाले, क्योंकि स्कूल में तो आई विल नॉट चेक कॉपीज ना, कॉपीज विल बी चेक बाय शुभदीप्त एंड ऑल. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिलो, मैंने कैसे बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिलोम, यूसिलोम आइज ऑफ टू टाइप्स. यूसिलोम इज ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन साइजोसिलोम, SCHIZOCOELOM, साइजोसिलोम, है ना? तो ब्रैकेट में लिखिए प्रिमिटिव, मतलब इन दोनों में से ये प्रिमिटिव है. तो लिखिए साइजो मीन्स स्प्लिट या स्लिट, कुछ भी आप बोल सकते हो.
साइजो मीन्स कट. तो इसमें लिखिए इफ द ट्रू सिलोम डेवलप्स, इफ द ट्रू सिलोम डेवलप्स एज ए, इफ द ट्रू सिलोम डेवलप्स एज ए स्लिट इन द मेसोडर्म, स्लिट इन द मेसोडर्म इट इज कॉल्ड साइजोसिलोम यूसिलोम. इफ द सिलोम डेवलप्स एज ए स्लिट इन द मेसोडर्म इट डेवलप्स इनटू साइजोसिलोम यूसिलोम. समझ में आया? यस सर. नाउ इसीलिए ये जो चीज आप याद रखेंगे, ठीक है, इसमें एग्जांपल लिख लीजिए एनलिडा मलुस्का आर्थ्रोपोडा. एनलिडा मलुस्का आर्थ्रोपोडा नाउ. अरे आत्मन तुम लोग का कौन सा केवीपी में क्वेश्चन हुआ नहीं, क्यों आई कुड नॉट गेट फुल इन बायोलॉजी? कुछ क्वेश्चन छूट गया है ना क्या? सर नहीं सर, वो जो डुबियस क्वेश्चन एक दो डाले थे सर. आ तो मैं से पूछ लेना कभी. यस सर, श्योर सर, दैट इन डाउट सर. चलिए हम लोग को एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए बायो में फुल में फुल आना चाहिए, बिकॉज मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है, बायो में फुल आना चाहिए. चलिए नेक्स्ट. तो आप लिखिए एंटेरोसिलोम यूसिलोम, एंटेरोसिलोम यूसिलोम. तो लिखिए इफ ट्रू सिलोम डेवलप्स, इफ ट्रू सिलोम डेवलप्स एज mesodermal buds from anteron, mesodermal buds from anteron, bracket में endoderm लिख दो, arrow एक arrow दो, forms mesodermal pouches, forms mesodermal pouches and ultimately produces body cavity and ultimately produces body cavity lined by mesoderm on all sides. Lined by mesoderm on all sides. So that is called your enterocilum eucilum. Hola? That is called your enterocilum eucilum. ना सपोज हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, वी विल मेक अ सर्कल, ये एक्टोडर्म हो गया एंड एक मोटा सा सर्कल बनाएंगे किसी अलग कलर का. सपोज ये एंडोडर्म हो गया, ठीक है, तो ये आपका एंडोडर्म हो गया. नाउ अब इन योर बुक आपको दिया है जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है. तो अब उन्होंने दिखाया है
कि ये जो है ये है सुडोसिलम फाइन. सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज सुडोसिलम फाइन. बट एक्चुअली जब ये कैविटीज बड़े होंगे ना, सपोज दीज कैविटीज व्हेन दे विल स्टार्ट ग्रोइंग ओके. अब ये इधर तक चला गया है ओके. ये ग्रो कर रहा है फाइन. ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है. तो ये क्या हुआ, वो जगह बच गया ना, खत्म हो गया. बोलो खत्म हो गया, खत्म हो गया. इसको ले लो, इसको और बड़ा करो फाइन. थोड़ा बाहर लेते हैं एंड्रॉइड आप से. अब ये देखो ये भर गया, उसी तरह से इसको ले लो फाइन. तो ये तो मैं सिर्फ ओनली सर्कुलर ग्रोथ कर रहा हूं. ग्रोथ में तो क्या होगा, वो सारे ग्रो करेंगे है कि नहीं. तो आप देखो सपोज एक और हम सर्कल बनाते हैं, देख रहे हो तो ना. नाउ यू सी इज देयर एनी मोर स्पेस. अब इधर भी हम कलर भर देंगे. सपोज इधर भी हम एक्चुअली मैं सर्कल बना रहा हूं करके ऐसे हो रहा है. सपोज हम लोग ऐसे से कलर कर देंगे इसको. ये भी मिजोरम भर गया, ये भी मिजोरम भर गया है कि नहीं. ये भी मिजोरम भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, तो ये भी भर गया. तो इज देयर एनी मोर सिलोम? नो सर. तो अब ये कौन सा सिलोम है एक्चुअली, चारों तरफ कौन है? ग्रीन. ग्रीन इज मेसोडर्म. हमने पर्पल को एंडोडर्म बनाया, रेड को एक्टोडर्म बनाया, ग्रीन को मेसोडर्म बनाया. तो जो व्हाइट है वो कैविटी है. तो एक कैविटी ये है, एक कैविटी ये है. तो ये कौन है? आर्केंटरॉन है कि नहीं. ये आर्केंटरॉन है. तो ये कैविटी क्या होगा? Yes. ये यू सिलो होगा, समझ रहे हो. तो इसलिए जो आपका बुक में सुडो सिलोम दिया है एक्चुअली वो यू सिलोम का एक और रूप है, समझ रहे हो. या यू कैन से प्रिमिटिव. सपोज जैसे आपका एडल्ट में यू सिलोम बनेगा,